राजगढ़ में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 8वें दिन भी आमरण अनशन जारी। जी हां, राजगढ़ कस्बे के सराय मोहल्ले में 17 अप्रैल को मंदिर एवं आवासीय व्यवसायिक भवनों को तोड़ने के विरोध एवं 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को 8वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। अनशन पर दिनेश प्रधान, ललित साहू बैठे रहे। वहीं भवनों, संस्थानों के मालिक तथा अन्य लोगों ने अनशन पर बैठे लोगों का हौसला अफजाई करते हुए मांगों को नहीं मानने तक अनशन जारी रखने की बात दोहराई। गौरतलब रहे कि तोड़फोड़ के बाद जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम सहित अन्य अधिकारियों, राजनेताओं ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना देखकर बीड़ा कमिश्नर भिवाड़ी रोहितास तोमर को मामले की जाँच एवं देख रेख के लिए नियुक्त किया गया। सोमवार को कमिश्नर तोमर की मौजूदगी में कार्यवाहक उपखंड अधिकारी अनिल सिंगल, पीडब्ल्यूडी अधीक्षक अभियंता सहित अन्य अधिकारियों, उप अधीक्षक अंजलि जोरवाल व कोतवाल विनोद सामरिया, अगर उसका असेसमेंट किया जाए तो कई लाख रुपए का माल यहाँ से चोर के नगर पालिका प्रशासन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से चोर के ले गया, जिसका हमारे पास उनके पास कोई जवाब नहीं है। लगातार हम इनसे वो सामान मांग रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई इनसे तो जवाब नहीं मिल रहा है। और इनको जब भी इस तरह की कोई मांग करते हैं तो मुकदमे लगाने की धमकी देते हैं ये लोग। जब कल भी हमने इनसे जो पीड़ा कमिश्नर साहब हैं उनसे मुलाकात करने की कोशिश करी तो उनको 10 मिनट ना 20 मिनट का उन्होंने समय भी दिया, लेकिन उसमें उन्होंने हमारी कोई जायज़ मांग नहीं मानी। हमारी सबसे पहली मांग थी न्यायिक जाँच, उसके बारे में बात करना भी उचित नहीं समझ रही। जब से हमारी सबसे पहली मांग हमारी थी न्यायिक जाँच, उसके बाद हम इनको कह रहे हैं हमको कम से कम वैध और अवैध का कम से कम आप निस्तारण करो कि हम वैध हैं या अवैध हैं, उसका कम से कम आप निस्तारण करो। उसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड संबंधी कोई जानकारी नहीं है और किसी भी तरह की इनसे कोई बातचीत करने का प्रयास करते तो मुकदमे लगाने की तरफ हमारी मूर्तियां वापस करने को तैयार नहीं है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हम चाहते हैं जो हमारी मूर्तियां ले गए हमको वापस लौटाएं, हम उनका विसर्जन करें। अगर वो खंडित नहीं है तो उनको दोबारा कम से कम प्राण प्रतिष्ठा करें उनकी। हमको यही नहीं पता है इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। हमारे पास एक मूर्ति हमारे पास है जो खंडित हो चुकी है, इन्होंने ड्रिल मशीन चलाई है, जेसीबी चलाई है। तो हमारे तो आपसे यही निवेदन है, सरकार से यही निवेदन है कम से कम हमारी बात सुनी जाए, हमारा पक्ष सुना जाए और उसके बाद जो भी रास्ता निकले हम सरकार को, राजगढ़ प्रशासन को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते हैं। बहुत अच्छे माहौल में टेबल पर बात करने के लिए।